वैसे तो यूपी पुलिस हमेशा अपने अजीबोगरीब कारनामों की वजह से चर्चा में रहती है, लेकिन कई बार वही पुलिस कुछ ऐसा कर देती है जो चर्चा का विषय बन जाता है। चलिए तो आपको एक दारोगा की जाबाजी की वो कहानी सुनाते हैं जिसके लिए उनकी चर्चा जोरों पर हो रही है। दरअसल उन्होंने खुद की जान की परवाह ना करते हुए नहर में डूब रहे एक युवक को बचाया और वो हीरो बन गए। मामला अलीगढ़ का है, जहां थाना दादो क्षेत्र के अंतर्गत गंग नहर साकरा में पन्नालाल नाम का शख्स पता नहीं कैसे नहर की तरफ खींचता चला आया और फिर डूबने लगा। दारोगा आशीष कुमार की नजर जैसे ही डूबते हुए शख्स की तरफ पड़ी, उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ, बस फौरन ही नहर में छलांग लगा दी और डूब रहे शख्स को सकुशल बचा लिया। दारोगा आशीष कुमार ने अपने अदम्य साहस और वीरता का जो परिचय दिया है वो बेशक काबिले तारीफ है, क्योंकि आज के समाज में जब इस तरह की कोई घटना होती है तो लोग अपना मोबाइल निकाल कर वीडियो पहले बनाना शुरू कर देते हैं, वो घटना को मनोरंजन के पर्याय के रूप में देखते हैं। ऐसे दौर में जब कोई अपनी जान की परवाह ना किए बगैर दूसरे की जान बचाता है तो वो दूसरों के लिए मिसाल बन जाता है। वहीं अलीगढ़ पुलिस के एसआई की इस बहादुरी के लिए एसएसपी कला निधि नैथानी ने प्रशस्ति पत्र और 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देकर उनको सम्मानित किया है। इसके अलावा अपर मुख्य सचिव गृह विभाग उत्तर प्रदेश शासन ने भी बहादुर दरोगा को 50,000 रुपए नगद देने की घोषणा की है। एसएसपी कला निधि नैथानी ने कहा कि आशीष कुमार द्वारा किए गए सराहनीय कार्य से पुलिस बल का मान बढ़ा है और आम जनता के बीच में पुलिस के प्रति विश्वास और सम्मान की भावना जागृत हुई है। एक वीरतापूर्ण कार्य किया गया है। सब इंस्पेक्टर आशीष कुमार, जो कि जनपद अलीगढ़ के थाना दादों पर तैनात हैं, कल गंग दशहरा के अवसर पर इनकी ड्यूटी नहर के समीप लगी थी। वहीं इन्होंने देखा कि एक व्यक्ति अचानक से नहर में गिर गया है और डूब रहा है। इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर तुरंत ये नहर में कूदे और पूरे अपने साहस का परिचय देते हुए उसको नहर के एक किनारे निकाल करके उसके प्राणों की रक्षा की। इस रेस्क्यू वर्क के लिए इसकी सराहना जो हमारे उपनिरीक्षक हैं आशीष कुमार, उसकी सराहना स्थानीय लोगों द्वारा भी की गई है एवं उच्च अधिकारियों द्वारा भी की गई है। डीजीपी महोदय के कार्यालय द्वारा, डीजीपी महोदय द्वारा इसको कमेंडेशन डिस्क से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। वहीं गृह विभाग में अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा भी इनको 50,000 रुपये नगद धनराशि की घोषणा की गई है। यहीं मेरे द्वारा भी इनको 25,000 रुपये के नगद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र दिए जाने की जो घोषणा की गई थी उसके क्रम में आज इनको यह दोनों ही चीज़ें प्रदत्त की गई हैं। और ऐसे पुलिसकर्मियों से अन्य पुलिसकर्मियों का मनोबल भी बढ़े, यह शासन एवं पुलिस मुख्यालय की मंशानुसार जो है यह सुनिश्चित किया गया है कि उपरोक्त उपनिरीक्षक के पुरस्कृत होने से अन्य पुलिसकर्मी जो हैं उनका मनोबल भी ऊँचा हो और वो भी इसी तरह पब्लिक की रक्षा के लिए, उनके प्राणों की रक्षा के लिए अपना पूर्ण योगदान आगे भी देते रहें।